हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल फ्लेकी और जूसी बालूशाही। बहुत ही कम सामान में और कम टाइम में बन जाता है। आप इसे बनाकर हफ्ते से 15 दिन तक खा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कप ऑल पर्पज फ्लोर ले लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या घी भी यूज कर सकते हैं, 1 पिंच नमक, 1/4 कप पानी ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बालूशाही के आटे को हमें कभी भी पूरी या रोटी के आटे की तरह नीट नहीं करना होता है। इस आटे को हमें हल्का सा मिक्स करना होता है ताकि ये कहीं से भी सूखा ना रह जाए। कहीं भी सूखा मैदा नहीं है, ऐसे समेट लेंगे आटे को, 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। जब तक बालूशाही का डो रेस्ट कर रहा है, चाशनी तैयार कर लेंगे। एक बर्तन ले लिया है, 1.5 कप चीनी ऐड कर लेंगे, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, गैस ऑन करेंगे और फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। हिला डुला देंगे चीनी को। चाशनी हमें एक तार की तैयार करनी है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेंगे। चाशनी हमें एक तार की तैयार करनी है। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा चम्मच में ले लिया है, ठंडा होने देंगे। ऐसे उंगली में लेंगे, ऐसे चिपकाकर देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक तार निकलने लग गया है। चाशनी को उतार के एक साइड में रख लेंगे। बालूशाही का डो चेक कर लेते हैं। डो को ऐसे थोड़ा सा तोड़ तोड़ के एक के ऊपर एक आटा रख के ऐसे मिक्स कर लेंगे। आटा से पोर्शन लेंगे, इतना बड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि ये फ्राई करने पर फूल जाता है थोड़ा सा, तो उसी के अकॉर्डिंग लोइयां कट कर लेंगे। तलहत्ती पे रखेंगे, ऐसे हल्के हाथों चिकना कर लेंगे, ऐसे गोल गोल करते हुए बीच में ऐसे प्रेस करके गड्ढा सा बना देंगे। एक प्लेट में रखते जाएंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाही रखेंगे, कढ़ाही को गर्म होने देंगे। कढ़ाही गर्म हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है। ऑयल हमारा मीडियम गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम अब कम कर लेंगे। एक एक करके तैयार किया बालूशाही ऑयल में डालेंगे। एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही ऐड करेंगे। एक बार कढ़ाई को ऐसे गोल गोल घुमा देंगे ताकि सारे बालूशाही अच्छे से डिप हो जाएगा ऑयल में। ये जैसे जैसे फ्राई होगा थोड़ा सा फूल जाएगा। बीच बीच में एक दो बार ऑयल को ऐसे गोल गोल घुमा देंगे। नीचे की तरफ से बालूशाही गोल्डन होने लग गया है, तो एक एक करके हम इसे पलट देंगे। गैस का फ्लेम अब हम मीडियम पे कर लेंगे और बालूशाही को उलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बालूशाही बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। छन्नी को थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। प्लेट में रख लेंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो सेकेंड बैच फ्राई करने के लिए गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। सेकेंड बैच का बालूशाही रख लेंगे एक एक करके। कढ़ाही गोल गोल घुमा देंगे। आप देख पा रहे होंगे बिना गैस ऑन किए भी ऑयल काफ़ी गर्म है। जैसे ही आपको लगे कि ऑयल का टेम्परेचर कम होने लग गया है, तो गैस को ऑन करके गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें। थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए जैसे हमने पहले बैच का बालूशाही फ्राई किया था, सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे बालूशाही मैंने फ्राई कर लिया है। मैं आपको एक पीस बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि कितना खस्ता और फ्लेकी बना है। चाशनी ले लिया है। ध्यान रखिएगा, जब बालूशाही को डिप करना हो तो चाशनी हमारी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए। तो ये चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी है, अगर ठंडा हो गया हो तो थोड़ा सा गर्म कर ले। एक एक करके डिप करेंगे।
ऐसे चम्मच से ऊपर से भी चाशनी डाल देंगे ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। बालूशाही को हमें चाशनी में बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, बस एक मिनट रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले लिया है, एक एक करके बालूशाही निकाल लेंगे और छन्नी में रख लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो बालूशाही से निकल जाएगा। जो बची हुई बालूशाही है इसे भी चाशनी में एक एक करके डिप कर लेंगे, उलट पलट करके डिप करेंगे। एक मिनट डिप रहने देंगे ताकि चाशनी अच्छे से सोक कर ले। बालूशाही को निकाल लेंगे चाशनी से बाहर, छन्नी में रखते जाएंगे। बालूशाही को कुछ देर ऐसे ही छन्नी में रहने देंगे ताकि अच्छे से एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगी। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो बची हुई चाशनी से आप कोई सा भी स्वीट बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं। बालूशाही को मैंने एक प्लेट में रख लिया है और इसके ऊपर से ग्रेट किया हुआ पिस्ता सजा लिया है। आपके अपने पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी डेकोरेट करना चाहे बालूशाही को। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये ऊपर से बिल्कुल फ्लेकी और खस्ता है और अंदर से बिल्कुल जूसी है। तो आप भी बिल्कुल आसान तरीके से बालूशाही एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।